सरकार ने अभी अनुदान मांग को लेकर के सारे विभागों से उनके विवरण मांगे हैं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए। तो वर्तमान में अगर हम ध्यान में रखें वर्तमान बजट के आकार को, तो 6,15,518 करोड़ रुपए का जो बजट था ये पिछले वित्तीय वर्ष से करीब 5.5% से अधिक था। और अगर हम 21-22 के बजट को ध्यान में रख करके बात करें तो 20-21 का बजट जो था वो 19-20 से 13% से ज़्यादा था। फिर इसके बाद 21-22 का बजट जो है वो 5,82,956 करोड़ रुपए का था, जो 99.8% ज़्यादा था पिछले बजट से। वर्तमान बजट में सरकार ने जो ध्यान में रखा था वो था उसके संकल्प पत्र को, 130 संकल्पों में से 97 संकल्पों को उसने शामिल किया था, इसलिए कि ये चुनावी वर्ष का बजट था, चुनाव के बाद जस्ट बजट पेश हो रहा था। तो इसलिए जो संकल्प पत्र में सरकार ने वादे किए थे उनको शामिल किया। इसके बाद अगर हम विशेष रूप से ध्यान दें तो सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने पर विशेष ध्यान दिया था, जो 3.8% के आसपास थी 19-20 में राजकोषीय घाटा GSDP का। और वर्तमान बजट में सरकार ने एक और अच्छा काम किया था, वो था कि किसानों के स्थिति को सुधारने के लिए कृषि व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए मुफ्त बिजली का ऐलान किया था, उर्वरक योजनाओं का विस्तार किया था, उर्वरक फर्टिलाइजर सब्सिडी पर सरकार ने बजट राशि बढ़ाई थी। तो अभी वर्तमान में अगर हम आगामी बजट की बात करें तो सरकार को हमें लगता है कि बजट प्रबंधन में सूखा को लेकर के सूखे की जो स्थिति थी और इस समय जो बाढ़ की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है और एक ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जिससे सूखा प्रबंधन और बाढ़ प्रबंधन को समुचित करते हुए की व्यवस्था को बनाए रखते हुए कृषि क्षेत्र के में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। दूसरी चीज, अगर हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमें ग्रोथ रेट को डबल डिजिट में रखना पड़ेगा। यदि कोरोना काल में इस पर थोड़ा सा डेंट लगा था लेकिन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हुए इस पर विशेष ध्यान दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन होता है लेकिन कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, तो इससे ग्रोथ रेट बढ़ती है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा इस समय सबसे कम है, 4% के आसपास है उत्तर प्रदेश में, तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी योजनाएं थोड़ा सा विशेष रूप से युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन